20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब 21 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमल डीएफए लैंग्वेज डब्ल्यू डब्ल्यू स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल। डब्ल्यू डब्ल्यू स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल, जिस सिंबल से स्टार्ट होगा उसी सिंबल से एंड होगा। तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग हमारे पास क्या हुई, ए हमारा स्टार्ट हुआ, ए पे ही खत्म हो गया, बी स्टार्ट हुआ, बी पे ही खत्म हो गया, ए ए हो गया, बी बी हो गया, ए बी ए हो गया, देन बी ए बी एंड सो ऑन चलता रहेगा इस तरीके से। तो आप इसमें देखिए कि हमारा स्टार्ट और एंड विद द सेम सिंबल होना चाहिए जिससे स्टार्ट हो रहा है। अब मिनिमम हमारा जो डी एफ ए बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ए के कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन यहाँ करेंगे हम, ये मेरी फाइनल स्टेट बन जाएगी क्योंकि मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, सिंगल लेंथ है। अब इसके कोरस्पोंडिंग आपका कितना भी बी आए कितना भी ए आए चलेगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला, अगर ज्यादा लेंथ की स्ट्रिंग आ जाती है क्योंकि उसने ए और बी का कॉम्बिनेशन बोला है, ए और बी का कॉम्बिनेशन बोला है तो हमें और स्टेट लेनी पड़ेगी। तो बी के कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन हमने यहाँ कर दिया क्योंकि हर स्टेट पे हमें चेक करना है कि फॉर ईच एंड एवरी सिंबल। मैंने ए के कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन कर दी थी लेकिन बी के कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन नहीं की। अब मेरी जो स्टेट नंबर थ्री है क्या वो कम्प्लीट है, बिल्कुल कम्प्लीट नहीं है। तो उसको कम्प्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन करेंगे। क्या ट्रांजिशन हो सकती है, बी यहाँ पे ए मेरा यहाँ पे आ गया, बी मेरा चाहे कितना भी आता रहे उसे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसे बोला है बीच में कुछ भी आए ए बी चाहे 20 बार बी आ जाए लेकिन स्टार्ट और एंड विद ए ए मतलब सेम सिंबल होना चाहिए ना, क्योंकि स्टार्टिंग स्ट्रिंग हमारी क्या है, स्टार्टिंग सिंबल ए है तो एंड भी ए होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्या मेरी थर्ड सॉरी ये वाली मेरी जो है फोर्थ स्टेट है, ठीक है। थर्ड स्टेट ऑलरेडी है मेरे पास, तो अब क्या मेरी थर्ड वाली स्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बी के कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन हो चुका है तो ए के कोरस्पोंडिंग हम ट्रांजिशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या ये मेरा थर्ड वाली स्टेट कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि बी और ए के कोरस्पोंडिंग ट्रांजिशन हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसको जो मेरी फिफ्थ स्टेट आई है फिफ्थ स्टेट इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बी आता है तो वापस मैं फाइनल स्टेट पे पहुँचा दूंगी, ठीक है। उसके बाद ए कितना भी आता रहे बिल्कुल चलेगा, ऐसे ये मेरा फाइनल डी एफ ए बन गया, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।